बॉर्डर इलाके में पिछले तीन दिनों से टिड्डी आने का सिलसिला तो थम गया, लेकिन सरकार की तरफ से मिले बर्बाद फसल के मुआवजे से किसान दुखी है। किसानों का कहना है कि लाखों रुपए की उनकी फसल बर्बाद हो गई है। ऐसे में सरकार का मुआवजा ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। राजस्थान के 11 जिलों में टिड्डी दल ने जमकर कहर बरपा दिया और टिड्डियां किसानों की फसल बर्बाद कर आसमान में उड़ गई। टिड्डियों दल ने सबसे ज्यादा नुकसान जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर और जोधपुर के किसानों को किया है। किसानों की बर्बाद फसल पर गहलोत सरकार ने मुआवजे का मरहम रखा और इन चारों जिलों में एनडीआरएफ नियम के तहत अधिकतम 2 हेक्टेयर पर 27,000 रुपए की घोषणा की, लेकिन टिड्डी ने किसानों की लाखों रुपए की फसल चट की। ऐसे में किसानों का कहना है कि लाखों रुपए के नुकसान पर सरकार का मुआवजा ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। किसानों का कहना है कि सरकार को पीड़ित किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए।